హైదరాబాద్ నగరంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు సందడి నెలకొనింది. గోషమహల్ నియోజకవర్గం మంగళహాట్లోని బడా బంగ్లా నుంచి బీఆర్ఎస్ నేత ఆనంద్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీరాముని పల్లకి యాత్రను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రారంభించారు. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పరిరక్షిస్తూ పండుగలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసిందని మంత్రి తలసాని అన్నారు. 15 ఏళ్లుగా ప్రతి ఏడాది ఉత్సవాలను వైభవంగా జరుపుతున్న ఆనంద్ సింగ్తో సహా ఆయనకు సహకరిస్తున్నందున బిలాల్ పూజా బిలాల్ వ్యాస్లను మంత్రి అభినందించారు. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. सभी राम भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन. आज इस धुलपेट क्षेत्र के मजरा प्रांत में हमारे भाई आनंद सिंह लोध के नेतृत्व में जो बाल्टी शोभा यात्रा का आरंभ होने जा रहा है, मैं सभी राम भक्तों का, डिवोटीज का, हमारे बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सिंपथाइजर का, यहाँ लोकल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो इस भारी मात्रा में यहाँ पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं. हम सब राम जी के सिद्धांत पर चलना है. आने वाले दिनों में हर जरूरतमंद को काम आना है, लोगों के दुख सुख में ठहरना है, यही राम जी की नीति है और यही हम करने जा रहे हैं. जनता का साथ चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय तेलंगाना. सभी राम भक्तों को मेरा हार्दिक अभिनंदन. आज इस धुलपेट क्षेत्र के मजरा प्रांत में हमारे भाई आनंद सिंह लोध के नेतृत्व में जो बाल्टी शोभा यात्रा का आरंभ होने जा रहा है, मैं सभी राम भक्तों का, डिवोटीज का, हमारे बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सिंपथाइजर का, यहाँ लोकल वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. बड़े बंगले से आरंभ हो रही है इस भव्य पालकी शोभा यात्रा में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे बस्ती के लोग और हमारे सभी बहनों और भाइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये यहाँ से आरंभ हो गया. अब हनुमान नवमी चला कर जाएंगे, पूरे सब लोग साथ में रहना और इस पालकी शोभा यात्रा का मान बढ़ाना. सभी तेलंगाना क्षेत्र में रामनवमी को आज बहुत ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट करा जा रहा है. उसी प्रकार से आज गोशामहल क्षेत्र में आनंद सिंह हमारे बीआरएस लीडर के नेतृत्व में भारी शोभा यात्रा निकली जा रही है जो यहाँ से मकरा से शुरू होकर एचपीएस हनुमान वैनशाला तक जाएगी. मैं सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. जय श्री राम, जय श्री कृष्ण. तेलंगाना क्षेत्र में रामनवमी को आज